नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा प्लस परिवार में। बहुत दिनों से ये खबर चल रही है कि योगी सरकार एकदम फुल फॉर्म में है। किस लिए फुल फॉर्म में है आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि उसमें योगदान जो इनको प्रेशर देने का योगदान रहा है वो सिर्फ आप लोगों का रहा है। यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं, जो उम्मीद थी वो ऐसे सीटें यहाँ से नहीं निकली, मात्र 33 सीट इन्हें मिली है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बीजेपी इंडिविजुअल खुद बहुमत नहीं पा पाई पूरे सेंट्रल में। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी सीट है यूपी की और यहां पर ये मात खा गए, और यहां मात खाना ही था क्योंकि यहां जो बेरोजगार बच्चे हैं वो इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज थे। तो जैसे ही रिजल्ट आपका आया, रिजल्ट आने के बाद बाबा जी ने एक समीक्षा बैठक बैठाई, सभी सचिव को बुलाया, और बुलाने के बाद इसी अंदाज में जैसे फोटो है ना देख रहे हैं उंगली, तो सब में आप समझ सकते हो कि सभी को कह दिया कि भैया अब जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो सभी लोग तेजी से करें। अधियाचन जो आप पोर्टल वाइज मांगते हो, मतलब कि भर के भेजने वाला, अब उसे ई अधियाचन के तौर पर मांगा जाए जो भी रिक्त पदे हैं, और जो पहले से एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं कराए हैं उसको प्रायोरिटी पर रख के एग्जाम कंडक्ट कराए। तो सबसे पहले बाबा जी ने यह शिक्षक भर्ती पर एक बहुत बड़ा खबर दिया है। अब कहीं ना कहीं एक जो बोला जाए, इनके मंत्री साहब जो थे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक अनुपात फुल है, कोई जगत नहीं है, इसीलिए बच्चों ने इनका अनुपात बिगाड़ दिया। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि अनुपात सही है तो बच्चों ने इनका अनुपात बिगाड़ दिया और यहां से जितनी की उम्मीद किए थे वो नहीं मिला। तो ये एकदम एक्शन मोड में अभी इन्होंने क्या कहा है कि प्राथमिक भर्ती के जो है वो अधियाचन मांगे गए हैं। पहले तो प्राथमिक भर्ती का कोई नाम ही नहीं था, तो कम से कम प्राथमिक भर्ती भी आने वाली है, ये 100% कंफर्म हो गया है इसके अधियाचन आने के बाद, क्योंकि अब इन्हें अपना भविष्य दिखने लगा है कि भैया मेरा भविष्य खतरे में है, कुर्सी मेरी खतरे में है। पीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट काफी समय से आपका है और इसे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे जल्दी इसी को कराएगा। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके जस्ट बाद मतलब अगस्त तक ये एग्जाम आपका हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे टीजीटी पीजीटी का, वो लगे रहिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। बाकी एलटी ग्रेड जीआईसी और बीईओ के भी भर्ती जो है आपको जल्द, क्योंकि इसके अधियाचन भेजे जा चुके हैं, प्लस अभी इसे रिवाइंड कराया गया है कि जो भी और पद हैं उनको जल्दी से जल्दी आयोग को भेजा जाए और इसके नोटिफिकेशन बस निकालना है। तो कभी भी मतलब इसके नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नई टीजीटी पीजीटी के भी अधियाचन मांगे जा रहे हैं, कहा जा रहा है वैसे तो 25,000 पद, लेकिन ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर पद आपको नए टीजीटी पीजीटी में आएंगे। अब प्राथमिक भर्ती में कितना आएगा, सुनने को बोला जा रहा है कि 80,000 तक पद आ सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि अभी अधियाचन मांगे गए हैं, तो जब तक अधियाचन आ नहीं जाता है कितने पदों का, तो वो 6-7 साल तो हो ही गया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका देखिए हर जगह हर पेपर पे बाबा जी का एक्शन जो है चल रहा है। यहां देखिए ट्विटर पे इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएं। ठीक है, यूपी सीएम का है, यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएं, ये आपको कहीं ना कहीं ट्वीट मिला है। इसके लिए निर्देश जारी दिए उन्होंने, कहा है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाए, जो भी नियुक्ति अभी तक लंबित पड़ी है नहीं किया गया उन्हें तुरंत आयोग के पास चयन आयोग को भेजा जाए, उन्हें नियुक्ति दिया जाए, जो भी भर्तियां अभी पड़ी हैं उनको तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। इसी एक्शन मोड में यूपी कांस्टेबल का भी एक स्टार्ट हो गया, उसके लिए मैं अलग सेशन लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये एक्शन कितना तेजी से हो रहा है, मतलब आपका काम बोल रहा है। आपने जो वोट किया, कितने बच्चों ने किया ही नहीं, अगर किया होता ना तो सच में ये भी मुश्किल ही था। तो आप बताएं कि अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी हो रही है। साफ साफ यहां पर बोला गया है कि देखो यूपी पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, इसी समय आपसे यहां पर भी बोला है कि इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता है ना पीजीटी के 4163 पद पर भी 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है,
ये ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने के बाद जुलाई में हुआ तो अगस्त में आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो जाएगा। यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। मतलब आपके अधियाचन मांगे जा चुके हैं, मांगे जा रहे हैं, तो प्राथमिक भर्ती का भी साफ साफ यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई साहब आने वाला है। उसके बाद से प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्तियों की जांच के नाम पर भी अभ्यर्थियों को धोखा मिला है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ बार बार पेपर होता है, पेपर कैंसिल होता है, लेकिन कुछ भी सामने आता नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो यही यूपी ट्रिपल एससी की बात की गई है कि यूपी ट्रिपल एससी में भी कई सारी भर्तियां पड़ी हुई है जो अभी तक नहीं आई है। जैसे आपका राजस्व निरीक्षक की भर्ती जो थी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, वो उसके भी अध्याचन मांगे जा चुके हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी टीचिंग से रिलेटेड मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां बोला उस शिक्षा निर्देशालय ने अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। जून में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। महाविद्यालय से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। रिक्त पदों की गणना के बाद निर्देशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाएगा। तो मतलब टीचिंग के लिए अब भर्तियां निकल के आ रही हैं। बाबा जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे तरह एकदम लग चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम इस साल आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन तो जरूर मिलेगा, अगले साल तक एग्जाम होगा लेकिन नोटिफिकेशन आपके सामने जरूर होंगे। और बंपर मामले में ये, क्योंकि जब भी कुर्सी की बात आती है तो टीचिंग वैकेंसी सामने आती है, टीचिंग और यूपी पुलिस, यही जो है इनकी कुर्सी के जो है पैर है, ये ध्यान रखिएगा। अब बेसिक शिक्षा में देखिए 80,000 पदों की भर्ती, पेपर में कटिंग आया 80,000 बेसिक शिक्षा में भर्ती होगी। आप वही सब चीजें है कि 69,000 आई थी, इसका पूरा मामला अब क्लियर हो गया। ये बोला 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों के का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवान्वित हो रहे हैं। इस समय मतलब 51,112 पद आपके खाली थे उस समय, और ये कब की बात है, ये आपके 2020 की बात है। अब 2020 के बाद आपका 24 चल रहा है, तो 4 साल हर साल में 8,000 हर साल, 32,000 और हो गया, तो वही 50,000-80,000 का बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीचर वैकेंसी आपके बेसिक में आने वाली है। तो लग जाइए, ये कंफर्म है, जैसे ही अध्याचन आएगा तो इससे ऊपर तो आएगा ही पद, 50K+ तो पद रहेगा, इतना मान के चलना, क्योंकि ये पहले से भी अल्लाह हो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पता नहीं होता है कि अनुपात सम अनुपात क्या होता है, तो बच्चों ने उनको अनुपात पढ़ा दिया है, अब सबको समझ में आ रहा है। देखिए अध्याचन जो मांगे गए हैं उनमें यहां पर लेटर जो जारी किया गया है, यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो सभी डिपार्टमेंट से कहा गया है, तो उसी केस में यहां शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बात किया गया है। ठीक है, ये आपका लेटर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी कहीं ना कहीं भेजा किया गया है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये चीजें रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ये है, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी है। तो शिक्षा में आने वाला है क्रांति, क्योंकि बाबा को बचाना है अपनी कुर्सी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा टीचिंग से रिलेटेड जो भी है, कि सबसे पहला आपका क्या होगा, जो भी आपके एग्जाम नहीं कंडक्ट हुए हैं उनको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपके नए अध्याचन प्राप्त हो जाएंगे तब तक, और आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी। तो आने वाली वैकेंसी जो है, नोटिफिकेशन जो है आएगा, वो आपका सबसे पहले एलटी ग्रेड की आ जाएगी, जीआईसी की आएगी, बीईओ की भर्ती आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आपके कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन, प्राइमरी टीचर की आप बात करें या यूपी टेट की भर्ती आपका जो है, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराएंगे, तो इसका नोटिफिकेशन निकालने से पहले हो सकता है यूपी टेट आपका हो जाए। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपका कहीं ना कहीं प्राइमरी भर्ती भी आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट इस साल तक इनको ये वैकेंसी देना ही देना है, किसी हालत में दिसंबर लास्ट तक ये आनी ही आनी है सभी टीचिंग वैकेंसियां। तो जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आएगी जरूर, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब
बेसिकली टीचिंग्स के लिए अलग से बन गया है, तो वो आपके कहीं ना कहीं इस पर काम भी कर रहा है। और सबसे पहले उन्होंने बताया भी है कि हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, और जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है तो अधियाचन जो भी आए होंगे उनके नोटिफिकेशन एक एक करके निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। आपको अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी जो भी समस्या होगा आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।